सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि अनिल शर्मा को मंत्री बनाना संभव नहीं, लेकिन उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यह बात उन्होंने बीती शाम मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कही। बता दें कि ऐसी चर्चाएं चली हुई है कि अनिल शर्मा भाजपा के लिए तभी काम करना चाहते हैं जब उन्हें दोबारा से मंत्री पद दिया जाए। इसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अनिल शर्मा के साथ उनकी और प्रभारी अविनाश राय खन्ना की लंबी वार्ता हुई है। सभी ने अनिल शर्मा को पार्टी के लिए काम करने को कहा है और अनिल शर्मा ने अपनी कुछ निजी बातों का हवाला देते हुए जल्द ही कोई ना कोई निर्णय लेने को कहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे अनिल शर्मा के फैसले का इंतजार कर रही हैं। जहां तक उन्हें दोबारा मंत्री बनाने की बात है तो प्रदेश की कैबिनेट में अभी कोई भी स्थान खाली नहीं है और किसी को हटाकर किसी और को मंत्री बनाना संभव नहीं। यदि अनिल शर्मा पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनके मान सम्मान को पूरी तरह से बरकरार रखा जाएगा। बता दें कि पिछले कल सीएम जयराम ठाकुर सदर के दौरे पर थे तो उस दौरान अनिल शर्मा उनके साथ मौजूद नहीं रहे थे। देखिए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, पिछला सारा कुछ बातें हमारे बीच की हैं, उनको जाहिर करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हमसे मुलाकात हुई, प्रभारी जी के साथ भी मुलाकात हुई, हमने रात का भोजन भी इकट्ठा किया और हमने कहा उनको, टेक्निकली आप बीजेपी के सदस्य हैं, अभी भी हैं, आपको कोई भी व्यवस्था इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने से रोक नहीं सकती है। आप प्रचार करना चाहते हैं तो आप आइए। पिछला दौर हो गया, वो परिस्थिति एक अलग तरह की थी और उसमें पार्टी का निर्णय बड़ा साफ और स्पष्ट था कि वो संभव नहीं है जो वो चाह रहे थे, और इस बात को वो स्वयं भी रियलाइज करते हैं कि हमारे बीच में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाए कि हम टूटें आपसे और अलग हो जाएं और ऐसे उस योजना के अंतर्गत कुछ लोग सफल हो गए, कामयाब हो गए, और मैं फिर से सोच रहा हूँ, सारी चीज़ों को आकलन कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। और यही बात कही उनने कि अब आखिरकार मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं कोई निर्णय लूँगा। हमने अपनी पार्टी की ओर से उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा है कि सबसे सरल और सहज प्रस्ताव आपके सामने है, आपके सम्मान की चिंता जो करने की बात है वो हम करेंगे, आप पार्टी का काम करें। ऐसी परिस्थिति बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि मंत्रिमंडल में सभी स्थान भरे पड़े हैं और मंत्रिमंडल से किसी को निकाल करके किसी को मंत्री बनाना ये फिलहाल अभी इस हालात में संभव नहीं है, इसमें कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमने पार्टी के नेतृत्व के समक्ष ये सारी बातें उनकी बताई हैं कि ऐसी बात हुई है, अगला निर्णय उनको लेना है, हम भी उनके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में था लेकिन हमने अपने काम की बात की, प्रदेश सरकार की बात की, लोगों से सहयोग की बात की, इसके सिवाय हमने कुछ बात और नहीं। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को तमाशा बताया। उन्होंने बताया कि सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया और नया मुख्यमंत्री बनाने के बाद खुद भी इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ही वो शख्स हैं जिसने राहुल गांधी को दुनिया भर में पप्पू के नाम से फेमस कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद खुद को बड़ा नेता साबित करने की होड़ मच गई है। सिद्धू जी जरूर हैं, सिद्धू के बारे में इतना मैं जरूर कहना चाहूँ, ये वही नवजोत सिंह सिद्धू जी है जिन्होंने राहुल गांधी को पूरे देश में नहीं दुनिया भर में पप्पू के नाम से प्रसिद्ध किया। आज उसी पार्टी में है, सरदार अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री से हटाने के लिए अभियान चलाया, सफल हुए, वहां दूसरा मुख्यमंत्री बने, चलिए मुख्यमंत्री बने और तीन दिन के बाद तीन मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया, चौथे दिन सिद्धू ने खुद त्याग पत्र दे दिया।
यानी कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक तमाशा है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में जब वरिष्ठ नेतृत्व तो नहीं रहा, वीरभद्र सिंह जी के जाने का हमको भी दुख है, हमारी संवेदना है, और जब वो नहीं रहे उसके बाद यह होड़ मची है कि कौन कब्जा करेगा। एक आदमी दूसरे को नेता नहीं मानता, दूसरा तीसरे को नहीं मानता, तीसरा चौथे को नहीं मानता, सब ये हालत कांग्रेस पार्टी के अंदर यहाँ पर है। जयराम ठाकुर ने विपक्ष द्वारा हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है, जबकि पूर्व की सरकार में सिर्फ दिल्ली दरबार में हाजिरी भरने के लिए ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था। कांग्रेस के नेताओं को आज हेलीकॉप्टर इसलिए चुभ रहा है क्योंकि उन्हें खुद जमीन पर चलना पड़ रहा है, जबकि पूर्व सरकार में उन्होंने भी हेलीकॉप्टर का खूब इस्तेमाल किया है। ये उनका आरोप है, उनको आजकल जमीन पर चलना पड़ रहा है। किसी जमाने पर वो भी जब उनके देखिए हेलीकॉप्टर हमारी सरकार ने लिया है ऐसा नहीं है। 93 के बाद हिमाचल प्रदेश में लगातार सभी सरकारों के पास हेलीकॉप्टर रहा है और उसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री प्रवास के लिए करते हैं, हम भी कभी कभी करते हैं। तो जब हम करते हैं तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी करते थे। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पिछली बार तो उड़ान शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला ये ज़्यादा होती थी। हम तो प्रदेश के विकास के लिए जा रहे हैं, हम ढोडरकवार जा रहे हैं हेलीकॉप्टर लेकर के, और उसमें वैक्सीन लेकर के पहुंचे, खुद मैं वैक्सीन लेकर के पहुंचा वहां ढोडरकवार में जाकर के। हम ट्राइबल के इलाके में स्पीति में जा रहे हैं, हम जाकर के भरमौर में जा रहे हैं, हम पांगी में जा रहे हैं, हम जाकर के आपके जो रिमोट एरिया रामपुर का इलाका रिमोट एरिया वहां पर जा रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में हम जा रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। जुब्बल कोटखाई के चुनावों पर लाइव टाइम्स टीवी की खास पेशकश सेब सत्ता और सियासत मेरे यानी मुकुल देव रक्षपति के साथ, पावर्ड बाय गोयल मोटर्स हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवियों और सज्जनों मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल कोटखाई, हाट कोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइव टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।